पाकिस्तान में कानून की नहीं ताकत की हुकुमरानी है, जब तक कानून की हुकुमरानी नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान का सेमिनार से खिताब, कहा पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं। शहबाज गिल को अगवा किया गया, इसे बरहना करके तशद्दुद किया गया, फिर तस्वीरें बनाई गईं। ऐसा किसी मुहसिब माशरे में नहीं होता। मैंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का कहा, मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराया गया। मजिस्ट्रेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का बयान, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल बेंच समाअत करेगा। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की 3 दिन के लिए जमानत मंजूर कर ली। कहा इमरान खान बायोमेट्रिक के लिए अदालत आए तो गिरफ्तार न किया जाए। इमरान खान के खिलाफ बौखलाहट में मुकदमा बनाया गया। आमरियत में भी ये नहीं होता जो जमहूरी हुकूमत में हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत को आईना दिखा दिया। फवाद चौधरी बोले, इमरान खान के जलसे से हुकूमत की कांपें टांग गईं। इमरान खान पर मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त दायर करेंगे। जेल हुकाम ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की तस्दीक कर दी। चंद मीडिया ग्रुप्स की इजारतदारी के लिए चैनल्स पर पाबंदी लगाई जा रही है। उम्मीद है 10 सितम्बर से पहले इनका तख्ता उलट जाएगा। बोल न्यूज़ के एंकर जमील फारूकी कहाँ हैं? इस्लामाबाद पुलिस ने थाने मुंतकिल करने के बजाय कहीं और मुंतकिल कर दिया। कराची एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए जमील फारूकी ने बताया, रात भर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, एयरलाइन का हथकड़ियों समेत मुलजिम को लेकर जाने से इनकार। अदालत ने 3 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर किया था। गिरफ्तारी पर सियासी और सहाफती हलकों की शदीद मसम्मत। एंकर पर्सन जमील फारूकी हमारी तहवील में हैं, आज अदालत में पेश करके रिमांड दिया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस का बयान, एसपी सदर ने कहा कि किसी और इदारे का जमील फारूकी कुछ लेना देना नहीं है। शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, सेशन अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 24 अगस्त तक पुलिस के हवाले कर दिया। पीटीआई रहनुमा ने बयान में कहा, नामालूम मुकाम पर बरहना करके तबतरीन तशद्दुद किया गया। वीडियो बनाई गई तशद्दुद के वक्त कड़ी लगी हुई थी। अस्पताल में जहनी तशद्दुद अब भी जारी है। मजीद बोले, खानदान के अफराद को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। 5 दिनों से नहाया भी नहीं हूँ। 19 अगस्त से भूख हड़ताल पर हूँ। पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा। इस्लामाबाद पुलिस छापे के दौरान शहबाज गिल को भी साथ लेकर आई। एक पिस्तौल और वायरलेस फोन बरामद करने का दावा। शहबाज गिल ने कहा, यह पिस्तौल मेरा नहीं है, घर की तमाम अशिया बदली हुई हैं। आशियाँ उजड़ गए, बस्तियां वीरान, डूबता तड़पता बलूचिस्तान, सैलाबी पानी जिंदगियां बहा ले गया। सैलाब से मजीद 9 जान बहा, अमवात 225 हो गई। सूबे का मुल्क भर से ज़मीनी रबता मुनक़ता, पंजाब और सिंध से मिलाने वाली कौमी शाहराहें ताहाल बंद। पाक अफगान तजारत भी बहाल न हो सकी। सैकड़ों कच्चे मकानात मुनदिम, सूबे के तमाम तालीमी इदारों में 27 अगस्त तक छुट्टियाँ। राजनपुर को खतरा, शहर को बचाने के लिए इंतजामिया ने इंडस हाईवे को काट दिया। रुझान में 3 खवातीन डूब कर जा बहा। सिंध में बारिश की तबाहकारियां, छतें गिरने, मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 216 हो गई। खैरपुर में मस्जिद की छत गिरने से 7 सैलाब मुतासरीन जाँ बहक, 100 से ज़ायद जख्मी। सखर के दही इलाके कंदरा में छत गिराने से 4 बहन भाई जान की बाजी हार गए। दादू में 3 अफराद मलबे तले दब कर जाँ बहक। शिकारपुर में माँ, 2 बेटे 2 बेटियों समेत 6 अफराद जान से गए। लाड़काना ड्राईपोर्ट की छत गिरने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।